हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दीपाज आर्ट एंड क्राफ्ट क्लास। आज मैं पोस्टर कलर से एक सिनारी दिखाने वाली हूँ। उसके लिए मैं पहले पेपर को अच्छी तरह से थोड़ा गीला कर लूँगी, फिर उसके ऊपर हम पोस्टर कलर अप्लाई करेंगे। तो स्काई कर रही हूँ मैं पहले, तो इसलिए मैं ब्लू और वाइट मिक्स करके एक लाइट स्काई कलर बना लेंगे, फिर हम स्काई में ऐड करेंगे। तो ध्यान रहे, अच्छे से ब्लेंड होना चाहिए कलर, ताकि ब्रश का जो मार्क है वो दिखना नहीं चाहिए, नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा। और पोस्टर कलर और एक्रिलिक कलर दोनों का ही एप्लीकेशन सेम ही है, हम जितनी बार चाहे हम कलर अप्लाई कर सकते हैं, तो इसलिए खराब होने का कोई चांस नहीं है। तो ध्यान से देखो मैं कैसे कर रही हूँ। अभी मैं रोड पे कलर कर रही हूँ, इसके लिए मैंने ऑरेंज ले लिया है। ऑरेंज कलर मैं अच्छे से रोड में दे रही हूँ। तो कलर अच्छी क्वांटिटी में ले लो, ताकि ब्रश का मार्क ना आए, ये ध्यान रखना ज़रूरी है। और फिर रोड फिनिश होने के बाद हम जो रूफ है उसमें भी ऑरेंज दे रहे हैं, और रोड के साइड में हम ब्राउन दे के थोड़ा शेड कर रहे हैं। और कोई भी कलर हम देंगे कि दूसरा शेडिंग के लिए, हमें जो बेस कलर है उसको फिर से लेके उसको अच्छी तरह से ब्लेंड करना है। जैसे मैं यहाँ ब्राउन दे रही हूँ थोड़ा डार्क शेड के लिए, लेकिन इसके बाद मैं फिर से थोड़ा ऑरेंज देके वो ब्राउन के साथ हम ब्लेंड कर लेंगे। अब हम क्लाउड के लिए पीच कलर बनाएंगे। तो पीच कलर मैं जो थोड़ा सा येलो, रेड और वाइट देके बनाया है वो हम क्लाउड में दे रहे हैं, और पीछे जो बुशेज है उसमें भी दे रहे हैं। फिर उसको हम वाइट कलर से अच्छे से स्काई के साथ ब्लेंड करना है। तो अभी हम लैंड के लिए ले रहे हैं येलो, क्रोम येलो। अच्छी तरह मैं ब्रश से पूरा लैंड में येलो पहले दे दूंगी, उसके बाद हम उसके ऊपर लाइट ग्रीन का शेड देंगे। तो पहले अच्छे से पूरा जो है उसमें कलर कर ले लैंड में, फिर लाइट ग्रीन का शेड दे, और उसके बाद हम लाइट ग्रीन के साथ थोड़ा सा ब्लू मिला के डार्क ग्रीन बनाएंगे और शेडो में देंगे।
तो अभी मैं यूलो के ऊपर लाइट ग्रीन से शेड दे रही हूँ, लेकिन इसके बाद जैसे हमने स्काई में दिया था, स्काई कलर पहले दिया था, स्काई कलर बना के फिर उसके ऊपर व्हाइट से ब्लेंड किया, सेम लैंड में भी हम येलो कलर पहले देंगे लैंड में, उसके ऊपर लाइट ग्रीन से शेड करेंगे, लेकिन वो जो लाइट ग्रीन का शेड है उसको अच्छी तरह से ब्लेंड करने के लिए फिर से हमें येलो लेके लाइट ग्रीन के साथ अच्छे से ब्लेंड करना है। और तो मैं यहाँ पर थोड़ा येलो ऑकर भी यूज़ किया है, थोड़ा कलर को थोड़ा सा कम करने के लिए येलो का ब्राइटनेस। तो देख सकते हो येलो के ऊपर मैं थोड़ा थोड़ा येलो ऑकर भी दे रही हूँ। और नेक्स्ट जो लैंड है उसमें भी हम सेम येलो के ऊपर थोड़ा लाइट ग्रीन, थोड़ा येलो ऑकर दे के अच्छे से ब्लेंड करेंगे। अभी मैं ट्री में कलर कर रही हूँ, पहले तो मैंने ट्री में येलो दे रही हूँ, उसके बाद हम ब्रश से रेड या ऑरेंज लेके थोड़ा सा डैप करेंगे लीव्स के लिए, फिर हम ऑरेंज के साथ थोड़ा ब्राउन देंगे थोड़ा डार्क शेड के लिए, और एकदम एंड में फिर से हम येलो देंगे जो हाईलाइट है वो दिखाने के लिए। तो पोस्टर कलर में या एक्रिलिक में तो डार्क कलर पहले देना है और लाइट कलर एंड में, ये ध्यान रखें।
तो ऐसे तो मैंने ये ट्री में पहले योलो दे रखा है, लेकिन फिर से हमें योलो देना पड़ेगा हाईलाइट करने के लिए। तो अभी मैं जो दो कोकोनट ट्रीज है उसमें कलर कर रही हूँ। पहले येलो दे दिया है, फिर उसके ऊपर मैं लाइट ग्रीन दे रही हूँ। तो लीव्स का जो इफेक्ट है वो ब्रश से हम कर रहे हैं, पूरा एक जैसा कलर नहीं कर रहे हैं। तो दोनों ट्री वैसे करने के बाद जो हार्ट है वो मैं फिनिश करूँगी। तो ये जो मेरा वीडियो है पोस्टर कलर का, मैं अच्छी तरह से तुम सबको डेमोन्स्ट्रेट कर दिया कैसे कलर यूज करना है, कैसे शेड करना है और कैसे ब्लेंड करना है अच्छी तरह से। क्योंकि ब्लेंडिंग अगर अच्छी तरह से नहीं होगा तो पोस्टर कलर अच्छी तरह से नहीं दिखेगा। तो अगर अच्छे से करा जाए तो पोस्टर कलर भी एक्रिलिक कलर के जैसा इफेक्ट देता है। तो अगर मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल वीडियो सबको पसंद आए तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कॉमेंट और शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और साथ में बेल आइकॉन जो है वो प्रेस करना ताकि नए नए जो नोटिफिकेशन है वो मिलते रहे। हर वीक मैं एक नया वीडियो लेके आती हूँ। तो आई होप कि सबको पसंद आएगा मेरा ये ट्यूटोरियल चैनल दीपाज आर्ट एंड क्राफ्ट क्लास, क्योंकि मैं हर एज के हिसाब से हम वीडियो लेके आते हैं, छोटे बड़े बच्चे सबके लिए। तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना और फिर मिलेंगे कोई नई वीडियो के साथ नेक्स्ट वीक में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।